पिछड़े जाति के हैं, एसटी वर्ग के, जो सहरिया समुदाय से बिलोंग करते हैं। बच्चे बढ़िया नहा धो के और ड्रेस पहन के और अपना जो बैग है किताब लेके साथ में आते हैं, और यहाँ पे आने के बाद एक तरह से जो शाला पूर्व शिक्षा जो उनको मिलनी थी वो शाला पूर्व शिक्षा यहाँ पे हम देने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों को हम खेल खेल के माध्यम से किस तरह से उनकी शिक्षा को रोचकता में लाया जा सके, इसके लिए हम जैसे गीत के माध्यम से, खेल के माध्यम से बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। नमस्ते, मेरा नाम राम जानकी खेरवा है और मैं भमरगढ़ की रहने वाली। मैं गरीब परिवार की हूँ और मैं रेड इंडिया संस्था में प्री कोचिंग पढ़ती हूँ। वहाँ हमें इंग्लिश में बारह खड़ी सिखाते हैं, गिनती सिखाते हैं, पहाड़े सिखाते हैं, जानवरों के नाम सिखाते हैं और फलों के नाम सिखाते हैं इंग्लिश में, और परिवार और यातायात के साधन के नाम सिखाते हैं इंग्लिश में। मैं टीचर बनना चाहती हूँ। काफ़ी चेंज है, बोलने में बहुत तहजीब आई है। पहले वो इतना अच्छा नहीं बोल पाते थे, अब उनमें मोस्टली अपना नाम, गांव का नाम और भी बहुत बातें जो जनरल नॉलेज की बातें होती हैं जो जनरली बच्चों को पता होना चाहिए अपने घर के बारे में, अपने गांव के बारे में, अपने एरिया के बारे में, अपने बारे में, वो लगभग सभी बच्चों को पता है। बच्चों को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पढ़ाई के अलावा वो नई नई टेक्निकल चीज़ें सीख लेते हैं काम, क्योंकि हम उन्हें कंप्यूटर के थ्रू भी पढ़ाते हैं। उनमें उन्हें नई नई चीज़ें पोएम्स हैं या आपके वर्ड्स नेम्स हैं, फ्रूट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो हम उन्हें कंप्यूटर के थ्रू भी दिखाते हैं तो उनको उनमें इंटरेस्ट ज़्यादा आता है। बच्चों की अच्छी अच्छी पॉजिटिविटी हमें मिल जाती है, वो अच्छी अच्छी बातें कई बार हमें बताते हैं। बहुत कुछ ऐसा नहीं कि हम टीचर हैं हम ही सिखाते हैं, बच्चे भी कई बार इस तरीके की एक्टिविटी कर जाते हैं, बातें बोल देते हैं जो हमारी भी लाइफ में हमें सीखने का काम करती है। जब से ये प्रोजेक्ट चला है ओरेकल का, यहाँ पे हमारे गांव की महिलाएं और छोटे छोटे बच्चे बहुत कुछ सीख रहे हैं, और इन बच्चों को पता चला है कि हम आगे कैसे ग्रोथ करेंगे। हम सारी इनको लाइफ स्किल, सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग्स भी देते हैं, और इन बच्चों को कंप्यूटर की क्लास भी लगवाते हैं हम बच्चों पर, और इनके साथ साथ इनकी माएँ भी यहाँ पर क्लास लेने के लिए आती हैं। जो इनकी बच्चियाँ और इनकी माँ दोनों आके साथ साथ पढ़ती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। पढ़ने में भी कमज़ोर थे, आज बच्चे पढ़ना लिखना भी सीखे हैं, बोलने में भी थोड़ा एक्टिव हुए हैं, और व्यवहार में भी काफ़ी परिवर्तन हुआ है उनके, जो मैंने देखे काफ़ी इम्प्रूवमेंट पहले के मुकाबले में इस टाइम है, और जो देखने में बहुत अच्छा लगता है। बड़ी खुशी होती है कि हमारे बच्चों में गाँव में देहात में रहते हुए आपकी मेहनत से, आपकी जो लगन है उससे बच्चों में थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो रहा है, बड़ी खुशी होती है। जो ये आपका ये कार्यक्रम चल रहा है ये बहुत अच्छा है, और मेवात में इस तरह का कार्यक्रम चलाते रहना चाहिए क्योंकि मेवात शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है। तो ये आपका जो कदम है सराहनीय है, तो मैं ये कहूँगा कि इस तरह के हर गांव में होने चाहिए ताकि बच्चे जो पढ़ने में पिछड़ रहे हैं ताकि वो सही एजुकेशन प्राप्त कर सकें। हमने 75 महिलाओं को भी अभी शिक्षित करने का काम कर रहे हैं, जिसमें 15-15 के महिलाओं का बैच है, 5 बैच है। भारी भाई, मेरा नाम है बमरगढ़ एजाजी कटांडा। 3 महीना हो गए पढ़ता, 3 महीना से पढ़ाई कर रहे हैं, अनार आम गिनती ये बोलना सीख गए, थोड़ा पढ़ना साइन करना सीख गए, हमारा नाम लिखना।
फायदा तो सगो और या सर नाम लिख बस एक बार बैंक में जावा तो नाम लिख देवा तो अलशाबाशी मल। दोपहर में जब बच्चे आ जाते हैं स्कूल से और अपना अपना भी हिसाब किताब भी कर लेती हूँ। अब मैं सिलाई करती हूँ तो उनकी जो नाप है उनका पूरा नाप लिख लेती हूँ, पहले नहीं लिख पाती थी। हेलो, गुड मॉर्निंग, मेरा नाम फातिमा है, मुझको मिस्टीना मैम पढ़ाते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे कहानी दिखाती मैम कंप्यूटर में अच्छे अच्छे। इस कार्यक्रम से जुड़ के मुझे व्यक्तिगत तौर पे बहुत फायदा हुआ है। एक तो मैं पहले बेरोजगार थी, उससे मुझे रोजगार मिला और इससे मेरी नॉलेज भी बढ़ी है। पहले कोई भी अगर चीज़ लानी होती थी तो पापा से पैसे मांगते थे और उनसे लेना पड़ता था कि पापा मुझे पैसे दे दो, बार बार उनके सामने जाना पड़ता था। और अब जब मैं कमाने लगी हूँ तो मैं खुद से अपने खर्चे चला लेती हूँ और पापा को भी कमा के देती हूँ। इससे भी उनको भी बहुत खुशी हुई है कि हाँ मेरी बच्ची कमा रही है। और वो घर से बोलते हैं बाहर की मेरी लड़की है कुछ काम करती है, उसकी पढ़ाई काम आ रही है। रीड इंडिया ओरिकल को मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ।